गुढ़ा के शहजादे यानी शिवम गुढ़ा के जन्मदिन की ये तस्वीरें तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हर बार होती हैं। हर साल एक बड़ा जलसा होता है। इस जलसे का इंतजार तो शायद वहां के लोगों को भी होता होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कार्यक्रम ही शानदार होता है। हालांकि इस बार जलसे की जगह बदल गई। इस बार ये जगह उदयपुर वाटी नहीं बल्कि झुंझुनू थी, और वो इसलिए क्योंकि झुंझुनू में उपचुनाव है और राजेंद्र गुढ़ा वहां से दावेदारी जता रहे हैं। गुढ़ा काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गुढ़ा की कोशिश है कि मुसलमानों और एससी वर्ग को साधा जाए। देखिए किस तरह से लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। पता नहीं क्या किस तरीके से सोच रहे हैं, मामला अब बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, हम बॉडी को यहाँ लेके आ रहे हैं। और कल यहाँ इतना बड़ा मेला भरेगा, आप ये मत सोचना कि क्या कर रहे हैं। इस बीमारी का पटाख से करना नहीं चाह रहे, निकलना चाह रहे तो क्योंकि ये लोग बैठे हैं, क्यों बैठा रखे अब इस मामले में। यदि मेरी बात सुनो, आप बात करो तो आज कर लो, फिर हम आज के बाद में वार्ता नहीं करेंगे आपसे। कलेक्टर को मैडम को दे दीजिए, कर लेना भाई। हम तो आज है ना, अभी देख लो, हम बॉडी लेके यहाँ आ जाएंगे और बर्फ की सीली ला के रख के यहाँ ही है ना। आपको बताओ, जुम्मा की नमाज पूरे जिले के लोग यही करेंगे। मुझे एक बात बताओ यार, एटीएम साहब को शर्म नहीं आती, 5,000 रूपये फोन से डाल के छोड़ दिए, 2 दिन तक प्रशासन के आदमी बैठे, 2 दिन में छोड़ के 5,000 रूपये को तब खैरात नहीं थी, आप ले लो। अब शिवम गुढ़ा को जन्मदिन तो शानदार तरीके से मना ही, लेकिन इस जलसे के जरिए गुढ़ा ने उपचुनाव को साधने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि झुंझुनू में मुसलमानों की संख्या तकरीबन 45 से 50 हजार है, जबकि एससी वर्ग की संख्या 30 से 35 हजार है। गुढ़ा का फोकस इन दोनों वर्गों पर ही सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि राजेंद्र गुढ़ा इन दिनों मुसलमानों के बीच खासे सक्रिय हैं। कभी वो ईदगाह में नजर आते हैं तो कभी वो इंशाअल्लाह बोलते हुए नजर आते हैं, कभी वो दलितों की आवाज बनते हुए नजर आते हैं तो कभी वो धरने प्रदर्शन में नजर आते हैं। गुढ़ा की कोशिश है कि कैसे भी इस चुनाव को जीता जाए। अब गुढ़ा अपनी कोशिशों में कितने सफल होंगे ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।